आपने यूँ सोचा हाँ कि दहेज एक बहुत पुरानी समस्या थी, आज समाज ने यह बिल्कुल बिल्कुल नकार दी है। आज दहेज से समस्या मरशिया में आंधी को, लेकिन यू अपना एक सिर्फ और सिर्फ वहम है। साथियों आप सब ने बता दू, अंकिता करनाल के बल्ला की, जिसने सल्फास की गोली खा ली, जिसने मौत गले लगा ली, अपने पापा के दौरे फोन करके न्यू कहे कि मैं उब गई अपने जिंदगी ते और दुख नहीं देना चाहूंगी। पापा न्यू कहे बेटा मेरे दौरे आ जाती तो मैं तेरा मैं अपने दौरे रख लेता, तेरे भाई तने अच्छे हैं। छोरी न्यू का वह है कि बाबू मैं तेरी बेइज्जती ना करवाना चाहूंगी, रे सिक्के इज्जत होगी, 5 मिनट की चाय उस बेटी की पूरी जिंदगी तय कर दे है। और उस बेटी ने उस घर में यदि कुछ अच्छा ना लगता और वह वापसी आने की भी कोशिश करे है तो उसने 100 बार सोचना पड़ा है कि समाज के कहेगा, मेरे घर वाले की इज्जत रहेगी। इन सारी बातों ने सोचते हुए आप नरमन ने भी सोचना चाहिए भाई कि जब एक बेटी ब्याह के दूसरे घर गाली जावे ना तो सब कुछ देख के भेजनी चाहिए। अपना जिस घर में जन्म लिया है, 18-20 साल जिस घर में बिताए हैं उसने, 25 साल जिस घर में बिताए हैं उसने, वो छोड़ के ने कोई दूसरा परिवार अपनाना, उड़े के रिश्ते अपनाना, उड़े के संस्कार अपनाना, उड़े के रीति रिवाज अपनाना कोई छोटी बात ना होया करती। और दहेज तो वो एक दानव है, दहेज वो एक दानव है जो बेटियां से संबंधित हर एक समस्या का जन्मदाता है। और हम उस चीज ने आज भी नहीं समझन लाग रही है, समझने की जरूरत है और इन चीजों के प्रति बोलने की जरूरत है। पहला भी पता नहीं कितनी अंकिता गई, कोई दबजे है तो कोई छपजे है, और मैंने पहला भी कहा था कि इसकी खातिर दोषी आप और मैं हूं। एक अच्छा सा घर देख के बेटी का रिश्ता करा, बेटी ने ब्याह वहां खर्चा लगा, वहां दहेज दे, वहां बहुत सारा सामान अगले का घर भरने की खातिर एक बापू सारी उम्र कर्जदार बनया रहा है तो कहीं अच्छी चीज है? सोचने की बात है, बिल्कुल नहीं अच्छी चीज, बिल्कुल नहीं है। इन चीजों ने सोच के ने इनके ऊपर विचार करने की जरूरत है, और विचार करके ने इनके प्रति एक्शन लेने की जरूरत है, इनके प्रति बोलने की जरूरत है। एक नहीं अनेक अंकिता आपके आसपास में इन चीजों का शिकार होने लग रही होंगी, लेकिन आप और मैं देख के अनदेखा करने लग रहे हैं, नहीं सोचते कि उस बेटी के ऊपर के बीतती होगी जो इस चीज का शिकार होने लग रही है। तो आज तर इबे तय नवरात्रे शुरू हुई हैं, तो एक प्रण लीजिए कि हम बेटियां के प्रति होने आए हर एक अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बात बेटियां की आओगी तो उनका साथ देवांगे।